सलाम नमस्ते सत श्री अकाल राम राम और रतन राजपूत का प्रणाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन में मैं मुंबई अपने घर पर नहीं हूँ, अपने होम टाउन में नहीं हूँ, किसी और जगह पे अपने आप को लॉक किया हुआ है, जहाँ के वीडियोस आप थोड़े बहुत लगातार देख रहे हैं। पर आप लोग मुझे अभी के कंडीशन में देख रहे हैं, पॉजिटिव बबली हर चीज़ से एडजस्ट करती हुई। लेकिन शुरू के दिन में मेरी क्या हालत थी, मैं कैसे यहाँ रह रही थी, वो शायद आप लोगों को नहीं पता, अभी तक दिखाया नहीं मैंने। कितनी शांत और चुप चुप सी थी ना, पता है क्यों? क्योंकि मैं उस समय काफ़ी लो फील कर रही थी। और लो क्यों फील कर रही थी? क्योंकि मैं जो भी सर्कमस्टांसेस था, जो भी सिचुएशन और परिस्थिति बनी थी, परिस्थिति को मैं स्वीकार नहीं कर रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना शुरू किया और एडजस्टमेंट की तरफ अपना रुख किया कि ठीक है भैया, अब मुझे यहीं रहना है, और यहीं रहना है तो क्यों ना खुद को और अपने आजू बाजू की चीज़ों को, अपने घर को, अपने रूम को सुंदर बनाया जाए, अपने अकॉर्डिंग बनाया जाए, कंफर्ट का ध्यान रखा जाए। और धीरे धीरे मैंने छोटी छोटी चीज़ें ढूंढना शुरू की। दिखाती हूँ ना कि इस कमरे में मुझे कितने काम की चीज़ें मिली और उसको मैंने कैसे यूटिलाइज किया। टुडे आई एम अ लिटिल सैड, आई थिंक आई एम मिसिंग माय होम। मुझे घर के बेड, किचन, स्पेशली किचन बहुत याद आ रहा है, टीन वॉशरूम, वहाँ की दीवारें, मेरे प्लांट्स जो अब सूख चुके होंगे क्योंकि मेरी हेल्पर को मैंने छुट्टी दिया था काफ़ी टाइम से। तो मैं आज अपने इस कमरे को, जो कि कुछ दिनों से मैं रह रही हूँ, इसको मैं घर बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे एक इन्वर्टर है जो कि ख़राब है, जिसको हम कहीं नहीं हटा सकते। बाय द वे, हमें जो यहाँ मिला हुआ है जो चीज़, वो एक चौकी भी है जो कि फ़िलहाल मेरे लिए सुपरकूल बेड है, क्योंकि इसके साथ हमारे पास मॉस्किटो नेट है। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर घर में मिलेगा। इसके बिना आप चाइनीज मच्छरों के द्वारा बाहर उठा लिए जाएंगे और आपका अता पता नहीं चलेगा। एक स्टैंड है, आई थिंक कूलर स्टैंड, इसको शायद इस्तेमाल कर पाऊंगी। एक पुराना कोई पैंट है वेस्ट, जो कि हमारे लिए शायद डस्टिंग या किसी चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है भानुमति का पिटारा, ये मेरे ख्याल से हमारे कुछ काम आ जाएगा धुलने के बाद। ये कपड़ा भी काम आ जाएगा, रख लेते हैं। चार्जर, बेल्ट, ये कुछ काम आ सकता है। बॉक्स, काश मेरे पास सीडी प्लेयर होता और एक टीवी भी। कुछ याद आया, हम लोग बचपन में टेप रिकॉर्डर में यही कैसेट्स प्ले किया करते थे। मुझे याद है आशिकी का गाना ऐसे में आता था, इवन दिल से का भी गाना मैंने ऐसे कैसेट में सुना है। दिल से, व्हाट इज इट, दिल से का ऐसे में आया था ना, लकी अली का गाना ऐसे आता था। ओह गॉड, ये भी हमारे कुछ काम का नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें बीते दिन याद तो दिला ही सकता है। रिफ्यूजी, सी दिस इज अमेजिंग नो गाइड, कि मैं हर 3 महीने 6 महीने पे ये फिल्म देख डालती हूँ। मुझे लगता है ये फिल्म का नाम गाइड बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है, क्योंकि मुझे लाइफ में जब भी कुछ कंफ्यूजन होता है, ये फिल्म मुझे गाइड कर देती है। मैं घर पर भी जब क्लीनिंग करती हूँ ना मुंबई में, तो मुझे याद है कि मेरी क्लीनिंग एक दिन में कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मैं ऐसे ही हर चीज़ों के साथ चिपक जाती हूँ। मुझे ये भी मिला है, जो कि आई नो बहुत काम का होने वाला है,
चलो ठीक है, बस मैं अब थोड़ा काम के मोड में आ जाती हूँ। वो शूट करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। प्लीज जाओ, गो। बस फिर क्या था, मैंने ठाना और करना शुरू कर दिया। मैंने इस कमरे को पूरी तरीके से रीअरेंज किया और उसको मैंने बिल्कुल वैसे बना लिया जैसे हम कहीं बाहर पढ़ने लिखने जाते हैं और हमें एक कमरा मिलता है और हमें उसी में अपना पूरा दुनिया दिखने लगता है। हर काम की चीज़ जो मुझे फ़िलहाल ज़रूरत है मेरे कमरे में, वो सारी चीज़ें मैंने अवेल कर ली। जो भी चीज़ें थी मेरे पास, वो एक भी चीज़ मुझे वेस्ट नहीं लगी और मुझे लगा कि वाव, आई एम सो लकी कि ये सारी चीज़ें हैं। और बस अपनी क्या कहते हैं, गृहस्थी, मैंने यही अपनी गृहस्थी जमा ली और शुरू कर दिया अपना जीवन नए सिरे से। वेलकम टू माय टेम्पररी होम, मेरा घर तैयार है। चलिए मैं आपको अब अपने घर की सैर कराती हूँ। वैसे छोटा सा घर है पर काफी कंफर्टेबल है, इंटरेस्टिंग भी है। तो जो पहला मेरा कॉर्नर है जो कि फेवरेट है, वो मुझसे एक कदम की दूरी पर है और वो है मेरा स्टडी टेबल। इस टेबल पे मैं सबसे ज्यादा समय बिताती हूँ, लिखने में, पढ़ने में, या मुझे अच्छा लगता है। यहाँ मेरी जरूरत की सारी चीजें हैं और वो सारी चीजें जो मुंबई की याद दिलाती है मेरे अपने। ये रैक जिस पर हमारे जरूरत की बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और काफी क्लमजी है, लेकिन मैंने उसको जितना हो सके ठीक करने की कोशिश की है। ये जो ऊपर का रैक है, इसमें हमारे मेडिसिन है, हमारे कुछ राशन है और सैनिटाइजर्स है, हैंड वॉश है, क्या थे ये बॉक्स, उस कचरे से निकला था जिसको मैंने स्टिचिंग बॉक्स बनाया है। इसमें सुई धागा और कुछ कुछ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको संभालना जरूरी है क्योंकि सिर्फ एक सुई है। हाँ, सो फर्स्ट रैक। सेकंड रैक में हमारे क्रॉकरीज हैं और क्रॉकरीज के नाम पे क्या है आप देख सकते हैं, जितना है इनफ है। इसमें हमारा लैपटॉप, चार्जर, कैमरा, बैटरीज, जैसे मैंने बताया था कि हम किसी प्रोजेक्ट के लिए निकले थे तो हमारे पास ऐसे चीजें काफी हैं, उसको एडजस्ट किया है। और इसके ऊपर लगाया है हमने कर्टन ताकि हमारी जो इतनी जो अंदर हमने छुपा कर अपनी क्लमजीनेस को छुपाने के लिए मैंने ये सारा कुछ कर्टन लगाया है। और हमारी कर्टन की खासियत ये है कि काफी हवादार है। मुझे लगा कि ठीक है, इसको पता चलता है, पता चल भी जाए तो क्या हो। जब हम जीन्स फटी पहनते हैं, टी शर्ट फटी पहनते हैं, तो कर्टन घर में फटी क्यों नहीं लगा सकते। कूल। एनीवेज, ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे मेरे सारे मेकअप के सामान हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट मिरर। यहाँ पे ये मिरर है जिसमें मैं तैयार होती हूँ। इससे ज्यादा बड़े मिरर की यहाँ पे जरूरत नहीं, काम चल रहा है बॉस, ये मिल गया बहुत। और जो चौथी जगह है वो है मेरा खास टेबल, जो मैंने आपको बताया था कि बाथरूम में मुझे एक कूलर स्टैंड मिला है। एक खास चीज है जो कि मिल करके मैं उससे कुछ बना सकती हूँ, तो वो टेबल तैयार है। टन टन, मेरा टेबल रेडी। सो ये है वो स्टैंड जो बाथरूम से मुझे मिला था। और ये है, हमारे बिहार में एक वर्ड यूज करते हैं तगाड़। अब वो तगाड़ क्या है ये जब मैं इसको हटाऊंगी या इसका मेकिंग वीडियो जब आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। और इस पर है मेरे मेकअप के सारे किट, सामान, क्रीम, ताकि जल्दी में मुझे अपने पाउच से ढूंढना ना पड़े। ये एक्चुअली ड्रेसिंग टेबल का काम कर रहा है, तो सब कुछ इसमें मैंने रखा हुआ है। ये बहुत कंफर्टेबल है एक्चुअली। मैं बैग की जिंदगी में बिल्कुल ऐसे कसा कसा फील कर रही थी, सब कुछ बैग से निकालो, पाउच से निकालो, अब सब कुछ अपने अपनी जगह पर है। इट्स सो कंफर्टेबल एक्चुअली। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना, हाँ यहाँ है ट्राइपॉड, यहाँ है मेरा बास्केट। ये बास्केट भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे
दिन में कम से कम 6 बार 5 बार नीचे ऊपर करना होता है सामान बहुत सारा लेकर। जब मैं नहाने जाती हूँ तो कपड़े होते हैं, फिर मैं जब ऊपर आती हूँ तो सबको फैलाना होता है, पानी के बॉटल्स होते हैं, वो सारे इस बैग में अप डाउन कर रहा होता है। ये है मेरा बेड जो कि काफी कंफर्टेबल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा मेन डोर। ये है हमारा दरवाजा। बाहर अभी अंधेरा है पर आसमान में बहुत सारे तारे और एक आधा चांद है। काश यहाँ रोशनी होती, मैं आपको थोड़ा घुमा पाती कैमरे के साथ। बाय द वे, आपको जितना घुमाना था मैंने घुमा दिया, अब थोड़ी सी मेरी बारी। अब मैं थोड़ा चांद और तारों के साथ वक्त बिताऊंगी, फिर मिलते हैं। बाय बाय द वे, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सरकार की कई बातों का, नियमों का बिल्कुल 100% पालन करें, और जो नहीं करता हो उसकी कान खींचे। फिर मिलते हैं। जय भारत, बी हैप्पी। देखा आपने कि हम कैसे इस कंडीशन में भी कितनी खुशी खुशी यहाँ रह रहे हैं, और बस ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों को भी कि आप भी जहाँ हैं जैसे हैं खुशी से रहें, क्योंकि ये टेम्प्रेरी टाइम है, ये बीत जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि दिस इज़ माई टेम्प्रेरी होम, बट इट्स माई होम। घर पर रहें, सेफ रहें, खाते पीते रहें, और हैंड वॉश और सैनिटाइजर यूज़ करते रहें, और एक दूसरे को एनकरेज करते रहें, पॉजिटिविटी फैलाते रहें। जय भारत, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम।